जनपद मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के भोपा रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक सिलेंडर फैक्ट्री में अचानक सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें फैक्ट्री में काम कर रहे आधा दर्जन से भी ज़्यादा मजदूर झुलस गए, जिसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने आनन फानन में सभी घायल मजदूरों का इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भेज दिया, जहाँ 6 मजदूरों की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें मेरठ रेफर कर दिया है। इस मामले में फैक्ट्री प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, जिसमें मैनेजमेंट द्वारा न घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और न ही दमकल विभाग को जानकारी दी गई। जितेंद्र जितेंद्र जी कहाँ काम करते हैं? मित्तल फैक्ट्री में। कहाँ पर है ये? मुख्यालय में। कौन सा थाना पड़ता है? थाना तो ये पता नहीं, थाना तो कौन सा पड़ता है जिसका। अच्छा, क्या घटना हुई वहाँ पर? वहाँ से कार्य कर रहे थे जी, गैस खोल रहे थे जी, तो वो आग लग गई थी। कैसे आग लगी? आग का तो मालूम नहीं कैसे लगी है। क्या सिलेंडर वगैरह फटा? नहीं जी, सिलेंडर नहीं फटा, जैसे सिलेंडरों की वाल खोल रहे थे तो वाल खोलते फिर ही आग लग गई। अच्छा, क्या घटना घट क्या हुई? कटिंग कर रहे थे जी हम, वो वाल खुल रही थी और आग अचानक से आग एकदम लग गई। कितने लोग घायल हैं? 10 लोग घायल हैं। 10 लोग घायल हैं। क्या हालत कैसी है? हालत तो जी सारे फूके पड़े हैं, आगे पीछे से पैर सब। कहाँ है अभी? मेरठ भर्ती की जाएगी। मेरठ रेफर कर दिया। हाँ, मालिक आए थे फैक्ट्री? हाँ जी, मालिक आए थे फैक्ट्री में। पुलिस को सूचना दी गई? पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस आई थी? हाँ जी। क्या कहा? बयान लेकर लिख कर ले गए। क्या चाहते हो आप? जी बताओ, घर उनके बताइए।